देखो बेटा, वो साउथ कोई आम सा प्लॉट नहीं है कि तुमने उसके ईस्ट वेस्ट पेट्रियल कैनल बना लिया। तुमने उसे महसूस करना है और जो महसूस करो उसको वही बनाना है। किताबी काम नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। रेहान प्लीज यहाँ एक घर बना था ना। क्या मेरा रेस्टोरेंट है? इसका मतलब है कि परियों के साथ जिम भी रहेंगे यहाँ पर। एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाती है। होटल कुछ कायदे और असूल भी होते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी ड्यूटी खत्म होने तक अगर वो ना आया तो उसका सामान मैं किसी और कमरे में शिफ्ट कर दूंगी, दैट्स ऑल। वैसे तुम क्यों इतना डर रही हो? डरना तो मुझे चाहिए, क्योंकि खासा में तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो तुम्हें तो बैर वाली होटल में जॉब मिल जाएगी, फिर मेरा क्या होगा तुम्हारे पास? मुझे ना तुम्हारी परवाह है ना जॉब की। हंसा बेटियों की तरह समझते हैं मुझे और इसी रिश्ते से बात करते हैं मुझसे, इसीलिए मैं भी एक मुलाजम से पढ़कर उनका ख्याल रखती हूँ। सारे रिश्ते बना लिए हैं तुमने, एक आखिरी रिश्ता है उसके बारे में कभी सोचा करो। बकवास मत करो, मुझे कमरा खाली चाहिए, इसके लिए कुछ करो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, इलाके की सारी मस्जिद में ऐलान करता हूँ। बस क्या क्या चाह रहे मेरे पास? कितना हुआ? 22। पीछे करो इधर थोड़ा। हाँ देखो, इस पत्थर रखो एक उधर। जरी खान जी सर, लगता है कोई परी आ गई है। वही तकदीरा, ये तो यही क्या साहब, उस्तानी है जी, बच्चों को पढ़ाता है ये। ये भी रोज इसी जगह आता है बड़े साहब की तरह। बड़े साहब जब इस इलाके में आते हैं ना तो इस जगह जरूर आते हैं जी। लाला लाला एक मिनट बात सुनिएगा। एक मिनट, हम आते हैं अभी। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम लाला, यहाँ कुछ बन रहा है क्या?
सब लोग गेस्ट हाउस बना रहे थे। गेस्ट हाउस? क्या कह रही थी? साहब उसका दिमाग खराब है जी, बोलता है कि ये जगह तो खुद एक गेस्ट हाउस है, यहाँ तो हर कोई आता है थोड़ी देर के लिए बसेरा करने के लिए, यहाँ दीवारें खड़ा करने का क्या जरूरत है, पता नहीं क्या बोलता है जी। जा रही हूँ मैं उसके कमरे से उसका सामान बाहर निकालने के लिए। पागल हो गई हो क्या? होटल की रेपुटेशन खराब कर रही हो। कोई बात नहीं, एक कस्टमर से कुछ नहीं होता। बाबा, वो ऐसा वैसा कस्टमर नहीं है। उसने तुम्हारे हाथ पर कितनी टिप रखी है? लानत भेजता मैं टिप लेने वाले पर। तुम्हें क्या हो गया है माजो? एक ही बात को लेकर सुबह से बैठी हुई हो। देखो, अगर तुम्हें खान साहब से इतनी अकीदत है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उनकी इज्जत उनके कस्टमर की इज्जत है, और यही होटल के बिजनेस का असूल है। आ गया वो। बस थोड़ी सी थकान में गुजरा। मेरी चाबी प्लीज। थैंक यू। समान, तुमने बात क्यों नहीं की इससे? क्या बोलता हूँ, तुम्हें देखा नहीं बेचारा कितना थका हुआ था। अब इस मूड में मैं और ये तो मेरी जाती डीलिंग तो नहीं है ना, मुझसे नहीं होता, तुम खुद बात कर लेना उससे। ज़मान, प्लीज। मुझसे नहीं होता है यार, मैं कैसे किसी मेहमान को कह दूं कि हमारी जगह छोड़ के चला जाए? ये बिजनेस के स्कूल के भी खिलाफ है, हमारे कल्चर के भी। तुम सब मुझ पर डाल देना, मैं बात कर लूंगा खान साहब से। से बोल रही थी वो, तुम्हें कैसी लगी वो जगह? आप जानते हैं पापा मुझे कैसी लगती है वो। यार मैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। डिफिकल्ट है, बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें। जाहिर है कुदरत के खूबसूरत पत्थरों को तराशना हमेशा मुश्किल होता है। वैसे एक बात बताऊं पापा आपको, वो परी बिल्कुल ठीक कह रही थी। कम इन। अरे नहीं पापा, अगर मुझे मौसम से डरना होता ना तो मैं आपसे वही कह देता, और वैसे भी आपकी ख्वाहिश के आगे सर्दी और गर्मी का क्या डर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आई लव यू। लव यू टू बेटा। लव फेस। लव जी। फरमाइए। वो मैं एक्चुअली ये कहने आई थी कि गुलजमान ने, आई मीन हमारे रिसेप्शनिस्ट ने आपको गलत कमरा दे दिया है। No, it's a very nice room. बहुत बेहतर अच्छा है। No sir, I mean to say that you please change this room.
Look, I don't need another room. It's perfectly all right. No, sir. This room is not for the guest. What? Actually, ये room हमारे hotel के owner Haji Afzal Khan साहब का है. वैसे तो हम ये room guest को दे देते हैं, लेकिन कल वो खुद आ रहा है तो. तब मैं कहने का मतलब ये है कि मैं ये कमरा उनके लिए खाली कर दूँ. I'm sorry, sir. मैं ये कमरा खाली नहीं करूँगा. आप अपने बॉस के लिए कोई और room arrange करते हैं. Sir, please. देखिए miss, मैं कोई टूरिस्ट नहीं, कोई कहीं भी पढ़कर सो जाऊं. बहुत मुश्किलों से एडजस्ट होता हूं मैं, और नई जगह पे पहली रात मुझे नींद भी नहीं आती है. और आप लोग अब चाहते हैं कि मैं एक रात और आप लोगों के लिए. सॉरी, आई कांट हेल्प यू. सर प्लीज, वो मालिक है तो मैं क्या करूं. मैं अपनी कंफर्ट के लिए पे करता हूं. सर मैं सॉरी करती हूं, माफी मांगती हूं आपसे. सॉरी मैं भी कर चुका हूं आपसे. सर मैं आपका बिस्तर, आपके इस्तेमाल की दूसरी चीजें शिफ्ट करवा देती हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं अपने एक रात के आराम के लिए आपका ये पूरा होटल खरीद सकता हूँ. देखिए मुकाबला रुपए पैसे का नहीं है, ये मेरी मजबूरी का मामला है, इसीलिए मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ. जाहिर है आपकी नौकरी का जो मसला है. नो सर, अगर मसला मेरी मुलाजमत का होता तो शायद मैं आपसे इतनी मिन्नत नहीं करती. मसला है मेरी इज्जत, और एहतराम का. खान साहब को मैं अपने बाप की तरह समझती हूँ, और उनकी उतनी ही इज्जत करती हूँ जितनी मोहब्बत आप अपने डैडी से करते हैं. आप रहें यहाँ पे, वो तो मेरे घर पर भी रह सकते. हेलो रिसेप्शन प्लीज. जी जी होल्ड कीजिएगा, तुम्हारा फोन. हेलो. ठीक है, आप मुझे कोई और रूम अरेंज करते हैं. जीतने के बाद हार मानने वाला इंसान है. मान गए क्या? लग रहा. फिर क्या बात है, मेरी वजह से? नहीं बेटा, ये बात नहीं है. फिर क्या बात है? वहां कोई वाकई में घर मिला रहा है. कहां? हाँ अच्छा, कितना सालिम इंसान है. अकेले काबिज हो रहा है उस मंजर पर सबके लिए. आपको किसने बताया? मैंने खुद देखा, कुछ लोग काम कर रहे थे वहां पर. इसका मतलब ये हुआ कि आपसे भी कोई बड़ा आशिक है उस जगह का, वरना उस जगह घर बनाने की क्या तुक है? कोई आशिक नहीं है, कोई बड़ा कारोबारी शख्स है या फिर कोई मगरूर दौलतमंद जो खूबसूरतियों को भी बेचने और खरीदने का सोचते. कोई आशिक होता तो वहां की खूबसूरती को गुम नहीं करता अपनी दौलत की चमक में. चले, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है.
देखते हैं वहां कौन बनाता है और क्या बनाता है। मुलाजिम लोग हैं, मजबूरी हमारी, वरना हमारे अपने घर में अगर कोई मेहमान की तरफ आंख उठा के भी देखे ना तो मैं उसकी आंखें निकाल दूं। मैंने कहा ना कोई बात नहीं। सर ये सब खान साहब की वजह से हुआ सर। पहले जहां आप कुछ दूसरे में होटल में बर्तन धोते थे तो फुटपाथ पे पड़े रहते थे, अब वीआईपी कमरे के बगैर रहते ही नहीं है। वाकई आज कुली की ऑफ है सर, आप देख तो रहे हैं। जब खान साहब आते हैं सारी तवज्जो उन पर देती है, इतना तो उनकी बेटियां भी उनको नहीं पूछती हैं। ओके सर। I'm really sorry. किस बात की? कहता है अब अभी तक मुझसे नाराज है। देखिए अगर मैं नाराज होता हूं ना तो चीखता हूं चिल्लाता हूं, इतना नॉर्मल नहीं होता मैं। बिल्कुल मेरी तरह। हाँ शायद। मैंने खान साहब से आपके लिए बात कर ली है, वो कह रहे हैं कि अब आपको कमरा वॉश इट मिस। सच कह रही हूँ। देखें अब मैं वाकई नाराज हो जाऊंगा। मैं जहां हूं ठीक हूं, अब आप खामा खा ना तो मुझे बॉर्डर करें ना खुद बॉर्डर हूं। ओके गुड। शॉप मेरी सीट।
आपकी ट्रीट कल? नहीं आज। अरशद आज कैसे जानू, पता है क्या वो जो बर्गर है ना वो तो यहाँ से मिलते ही नहीं है। कल मैं आप भी आपके लिए लेती आऊंगी, ठीक है? नहीं अभी। अभी कैसे जानू, अभी तो स्कूल से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। मैं तो आपके साथ नहीं खेलूंगा। अच्छा अच्छा कुट्टी चलो चलते। I love this place, Rehan. हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत जगह। और बहुत रोमांटिक। Rehan, please, यहाँ एक घर बना दो ना। यहाँ मेरा रसद है। यहाँ कुछ बन रहा है क्या? सब लोग गेस्ट हाउस बना रहे हैं। उस्तानी आपसे मिलना चाहता है। क्यों? पता नहीं, शायद कोई फंड मन का बात करेगा अपने स्कूल के लिए। सारे इलाका मिलकर इसको पैसे देता है जी, लेकिन इसका स्कूल है कि बढ़ता ही नहीं है जी। चलो देखते हैं। नहीं नहीं, आप क्यों जाते हैं? हम उसको इधर बुला के लाते हैं सर। नहीं, ये हमारा साहब है, इनसे बात करो। आप यहाँ घर बना रहे हैं? जी नहीं, गेस्ट हाउस बनवा रहा हूँ मैं। यहाँ क्यों बनवा रहे हैं? इसलिए कि ये यहाँ की सबसे आइडियल लोकेशन है और बाहर से आने वालों को अट्रैक्ट करती है। जब यहाँ दीवारें खड़ी हो जाएंगी तो क्या खाक अटैक करेगी किसी को? आप बहुत अजीब बात कर रहे हैं। कभी किसी ने तस्वीर के ऊपर बैठकर भी देखा है तस्वीर को? तस्वीर को तो हमेशा सामने लगाते हैं ताकि दूर से नजर आए। आप बेफिक्र हैं, मैं सिर्फ बिल्डर ही नहीं बल्कि एक आर्किटेक्ट भी हूं और उसको ऐसे डिजाइन कर रहा हूं कि आपका क्या ख्याल है, कुदरत से अच्छा बना लेंगे आप? देखिए, मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं है। साइट एक्चुअली सामने है, यहां से तो सिर्फ देखा जाता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन पर पत्थर रखें या बालकनीज बना लें। कितनी कीमत लेंगे आप इन बालकनीज की?
और कितने लोग पहुंच सकेंगे? आखिर कितने पैसे ले लेंगे आप इन खूबसूरत मनाजिर को एक नजर देखने? हमने इस जमीन की कीमत अदा की है, ये काम हम कोई मुफ्त में नहीं करा रहे मैडम। आपने सिर्फ ये टुकड़ा खरीदा है, ये सारे खूबसूरत मनाजिर नहीं। और हम इसका दावा भी नहीं कर रहे। एक लकीर जमीन खरीद कर पूरे चश्मे पे बंद आ गया, और फिर भी मासूम बनते हैं। देखो बाजी, ये इस जगह का मालिक है, ये अगर जो मर्जी करे तुम्हारा कोई काम नहीं है। आप अपने थोड़े से फायदे के लिए यहाँ के दूसरे लोगों का नुकसान कर रहे हैं लाला। यहाँ के लोगों की रोटी बाहर से आने वालों की वजह से चलती है। अगर आप ही यहाँ की खूबसूरतियाँ खत्म करेंगे तो कौन आएगा यहाँ? देखिए मैडम, हम आपको इसके जवाब दे नहीं है, और इस बहस का भी कोई फायदा नहीं। बहरहाल आप मुझे इस जगह से काफी एफिलिएटेड लगती हैं, इसलिए मैं आपको स्पेशल परमिशन देता हूं कि आपका जब जी चाहे हमारे गेस्ट हाउस की बेल्कोनीज में आकर। आप क्या समझते हैं, आप हर किसी को खरीद सकते हैं?